धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण एवं धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे युवक के खिलाफ युवती ने अपने परिवार के साथ थाने पहुंचकर आप बीती बताई। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत विकास नाम के युवक ने एक नाबालिग बालिका प्रेम जाल में फंसाकर चर्च में शादी कर ली। इसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मारपीट कर 8 माह से लगातार शोषण कर रहा था। गर्भवती होने पर सास ननन दोनों गर्भपात का बनाती रही दबाव। इस दौरान पति ने शराब पीकर बेतहाशा मारपीट कर गर्भपात कराने की कोशिश की और दबाव बनाकर नाबालिग का गर्भपात कराया। इन सब से प्रताड़ित बालिका ने अपनी माता पिता के साथ थाने पहुंचकर आप बीती बताई। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। ये विधिवत बालिका ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है तहसीलदार को कि उसके साथ साल भर पहले से इंस्टाग्राम पर बालिका से संपर्क हुआ था। उसने अपनी जाति छिपा के, जो क्रिश्चियन समाज का है, जाति छिपा के उसके साथ बहला पुतला की शादी की नाबालिग पीड़िता से, और शादी करके उसके साथ एक संबंध बनाता रहा। नाबालिग पीड़िता को रखने के बाद 1 महीने पहले करीब घर से मारपीट करके निकाल दिया। इस बात की रिपोर्ट दर्ज की, हमारे पास अपराध प्लान किया है बलात्कार और पॉक्सो एक्ट और धर्मांतरण की धाराओं के तहत, धारा 3 और 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी को राउंड अप कर लिया है। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मैं उपनिरीक्षक संतोष पाटगर, QIC थाना कुक्षी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।